हेलो स्टूडेंट्स तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जो कि आपका टॉपिक नंबर थ्री है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ठीक है चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं व्हाट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लाइज टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन दिस इज बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट हैज सम केम टू एन एंड व्हेन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन बाय द पार्टीज देन द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी ओवर एंड पार्टीज आर नो मोर लाइबल फॉर एनी टाइप ऑफ परफॉर्मेंस डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस टू द कॉन्ट्रैक्ट आर फ्री फ्रॉम द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग देयर रेस्पेक्टिव ऑप्लगेशन ओके उसका मतलब समझिएगा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब खत्म कर देना ठीक है खत्म कर देना या फिर टर्मिनेट कर देना इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसा कुछ हुआ किसी रीजन के वजह से आपको बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना पड़ गया ए ने बी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर करा था ए जो है वो किसी कारणवश अपने परफॉर्म अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पाया अपने ऑप्लीगेशन को एक्चुअली परफॉर्म नहीं कर पाया तो उसके वजह से बी ने और ए ने अपना कॉन्ट्रैक्ट जो था वो खत्म कर दिया अब वो लोगों को कुछ भी नहीं करना है उनके कोई ऑप्लीगेशन नहीं, नहीं है उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं है ठीक है क्योंकि उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर दिया टर्मिनेट कर दिया ठीक है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में यहां पे क्या दिया है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर फ्री फ्रॉम टास्क ऑफ टास्क ऑफ परफॉर्मिंग द रिस्पेक्टिव ऑप्लीगेशन जब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हो गया अब आपको मतलब ए और बी जो है उनका आप कोई काम नहीं बनता है उनका कोई ऑब्लिगेशन नहीं बनता है परफॉर्म करने के लिए क्योंकि यहां पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो गया ओके लाइक फॉर एग्जाम्पल ए परचेज कार ठीक है ए ने कार परचेज करा और बी ने कार की जगह कीज दे दिए ठीक है लाइक आप देखते ही होंगे जब आपने अगर कार परचेज करी है तो आप देखोगे कि आपको कार नहीं देगी उसका की देता है राइट की दे देता है कार वहां पीछे लगा रहता है उसका की दे दिया तो वहां पर क्या हो रहा है कि ए जो है वो आपको की दे रहा है बी ने उस की को अग्री करा कि हाँ इन प्लेस ऑफ कार आप मुझे कीज दे दो तो मैं मानूंगी कि जो है वो कंप्लीट हो गया तो वहां पे डिस्चार्ज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट अब ठीक है अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया अब कोई ऑब्लिगेशन नहीं है दोनों ही पार्टीज के ऊपर ना ए के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है कार देने का और ना बी के ऊपर है ठीक है क्योंकि उसने कार के कीज दे दिए तो अब आप कंप्लीटली परफॉर्म कर चुके हैं अपने टास्क को अब आपको कुछ भी परफॉर्म नहीं करना है कोई ऑब्लिगेशन आपका नहीं है यहां तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप अब देखिए मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किन किन तरीकों से डिस्चार्ज किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट को ठीक है तो सबसे पहला है डिस्चार्ज बाई परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज बाई परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब हुआ लाइक फॉर एग्जाम्पल एक स्वीपर है ठीक है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको याद होगा कि अपना अपना दोनों ही पार्टी काम कर दिए ठीक है, है यहाँ पे भी आप एक वैसा ही एक एग्जाम्पल ले लो एक स्वीपर है वो मेरे घर पे आया उसको मैंने बोला कि आइए और आप घर को मेरे साफ ऑफ कीजिए और बदले में हम आपको दो सौ रुपया पे करेंगे वो स्वीपर आया उसने काम किया उसको हम दो सौ पे कर दिए अब मेरा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तो अब हम उसको डिस्चार्ज कर देंगे यानी कि अपने कॉन्ट्रैक्ट को आप खत्म कर देंगे दोनों ने अपने ऑब्लीगेशन को फुलफिल कर लिए हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देंगे क्लियर अब सेकेंड है सेकेंड है डिस्चार्ज बाई अग्रीमेंट डिस्चार्ज बाई अग्रीमेंट मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर रहे हो ठीक है उसके अंदर भी कुछ चीजें आती हैं जो सबसे पहला है वो क्या है डिस्चार्ज बाई नोवेशन नोवेशन का मतलब क्या हो जाएगा नोवेशन का मतलब हो जाएगा कि एक्ट ऑफ रिप्लेसिंग अ लेजिटिमेट एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट विथ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट ठीक है यानी कि आपने जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था उसको सब्सिट्यूट कर दिया नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ या फिर नए प्रोडक्ट के साथ। like for example, आप डिसाइड करे थे कि पचास हजार का फ्रिज लोगे ठीक है तो ए के पास आप गए थे ए को आपने बोला कि आप मुझे पचास हजार का फ्रिज दे देना जब मैं आपके पास आऊंगा और जब आप उसके पास गए तो आपने देखा कि आपका बजट थोड़ा बढ़ गया है तो आपके बजट में एक लाख का फ्रिज भी आ सकता है तो आप क्या किए आप गए उसके पास आपने बोला कि भाई साहब आप ना कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा चेंजेस कर दो पचास हजार की जगह हम एक लाख का फ्रिज लेना चाह रहे हैं उस केस में आप क्या कर रहे हो डिस्चार्ज बाय बायोवेशन यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट को आपने क्या कर दिया सब्सिक्यूट कर दिया नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑब्लीगेशन थे वो खत्म हो गए अब नया कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्लीगेशन आपके ऊपर बन जाता है ठीक है नेक्स्ट है डिस्चार्ज बाय बायशन

फ्लैट दे देना उस केस में क्या होगा मान लीजिए कि अगर अर्थक्वेक आ गया अर्थक्वेक आ गया वो फ्लैट पूरा गिर गया पूरा खराब हो गया डिस्ट्रक्शन हो गया उस केस में क्या होगा दोनों ही म्यूचुअली अग्री करेंगे कि हाँ भाई जो भी हमारे ऑब्लीगेशन थे वो क्योंकि फुलफिल नहीं हो सकते राइट अर्थक्वेक आ गया फ्लैट ही खत्म हो गया अब कचीज़ के लिए हम जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे थे वही खत्म हो गया वही बर्बाद हो गया तो क्यों एंटर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट में क्यों कंप्लीट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लगेशन को तो यहाँ पे म्यूचुअली डिसीजन हुआ कि ठीक है ना आप करिएगा ना हम करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है वो अग्रीमेंट में हम सब कुछ इन्वॉल्व करके क्यू और उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देंगे

ऑल्टरेशन और दूसरा होता है यूनिलैटर ऑल्टरेशन बायोलैट्रल का मतलब क्या होता है बोथ पार्टी अपने अपने मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट में ऑल्टरेशन कर रहे हैं चेंजेस कर रहे हैं दोनों ही पार्टी और यूनिलैट्रल में क्या होता है कि एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में चेंज कर रहा है सो बायोलेट्रल ऑल्टरेशन का एक एक्जाम्पल समझते हैं जिसमें लिखा है बोथ दू ऑल्टरेशन इन कॉन्ट्रैक्ट ठीक है जैसे मान लीजिए कि दो पार्टी है एक का नाम है ए एक का नाम है बी जस्ट अ सेकेंड एक का नाम है ए एक का नाम है बी फाइन तो ए ने बोला कि मुझे एक फ्लैट चाहिए बी ने बोला ठीक है वो अग्री कर गया तो दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए जिसमें वो उसको फ्लैट देगा वो बदलेगा पैसा देगा तो अब देखिए ए जो फ्लैट दिया तो ए को मन था ना कि वो फ्लैट के साथ साथ वार्डरोप भी बनवाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट में जब एंटर किया था तो सिर्फ फ्लैट की बात हुई थी ठीक है बट अब उसका मन किया कि वो एक वार्ड रोप भी बनवा ले तो उसने एक बी को बोला कि आई वॉन्ट डीज दिस चेंजेस ठीक है तो उसने बोला कि मुझे ये ऑल्ट्रेशन चाहिए मुझे एक फ्लैट के साथ साथ वॉड्रोप भी चाहिए और बी उसके लिए अग्री हो गया ठीक है बी बोला कि ठीक है हम आपका वो कॉन्ट्रैक्ट uh, में चेंजेस करा देते हैं ऑल्ट्रेशन करा देते हैं बी अगर अग्री हो गया तो इस केस में ये बाइलेटरल ऑल्ट्रेशन हुआ कैसे क्योंकि ये इसने एक ऑल्ट्रेशन करने के लिए ऑफर करा और इसने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया इसने भी ऑल्ट्रेशन करने को एक्सेप्ट कर लिया सो so, यहाँ पे वो वोलेटरल दोनों ही पार्टी से दोनों ही पार्टी जो है वो ऑल्ट्रेशन के लिए रेडी है ठीक है यूनिलैटरल क्या होता है यूनिलैट्रल जिसमें एक पार्टी ऑल्ट्रेशन के लिए रेडी होता है लेकिन दूसरा उसके लिए रेडी नहीं होता है लाइक फॉर एग्जाम्पल आई सेट टू बिल्डर दैट आई वॉन्ट टू वॉट ठीक है और मैंने एक बिल्डर को बोला कि मुझे एक वार चाहिए बट जो बिल्डर था उसने मना कर दिया तो जब उसने मना कर दिया तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे यूनी लाटल ऑल्टरेशन हो रहा है कि आपने चाहा आपने उसको ऑफर दिया बस उसने एक्सेप्ट नहीं किया उसने मना कर दिया तो यहाँ पे मैं एक साइड से ऑल्ट्रेशन करना चाह रही थी बट वो ऑल्टरेशन जो हुआ वो दूसरे पार्टी की तरफ से मना हो गया ठीक है तो मैं उसको क्या बोलूंगी कि ठीक है आप जो बना रहे थे कॉन्ट्रैक्ट को वैसे ही रहने तो आप जो बना रहे थे बनाओ लेकिन वो मैं अपना बाद में फिर कर लूँगी उस हिसाब से ठीक है तो यहाँ पे ये ऑल्टरेशन

अभी वहां पे तय क्या हुआ है पचास हजार रुपया पे करने का तय हुआ है बट बी के व्हाइट वॉशिंग का काम देख के ए को पसंद नहीं आया और उसने बोला कि मैं आपको सब चीज का पैसा दूंगा लेकिन व्हाइट वॉशिंग का पांच हजार मैं आपको नहीं दूंगा उस उस केस केस में में वो वो क्या किया उस केस में वो बाकी का काम उसे करवाया बट व्हाइट वॉशिंग का काम उसे नहीं करवाया ठीक है वो किसी और से वो काम कराया और उसको रिमेनिंग फोर्टी जो उसका बनता था वो उसको दे दिया ठीक है तो ये होता है डिस्चार्ज बाई रिमिशन एक्जन हो गया मतलब उसको एक्जेम्ट कर दिया उसी कॉन्ट्रैक्ट से कि आपका ये व्हाइट वॉशिंग वाला कॉन्ट्रैक्ट से आपको हम फ्री करते हैं ठीक है अब नेक्स्ट दैट इज डिस्चार्ज बाय मर्जर मर्जर का मतलब क्या है यहाँ पे मर्जर ऑफ सम ऑफ द इंफीरियर राइट्स ऑफ अ पर्सन विद सम सुपीरियर राइट्स ओके मतलब किसी इंफीरियर राइट्स right से सुपीरियर राइट्स को मर्ज कर देना लाइक फॉर एग्जाम्पल एक पुराने कॉन्ट्रैक्ट को नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ मर्ज कर देना ठीक है लाइक लाइक एग्जांपल लेते हैं कि, कि हम लोग को एक बिल्डिंग बनवाना था लाइक एक फ्लैट चाहिए था अब उस फ्लैट में मुझको दो बालकनीज चाहिए थी ठीक थी? है तो मैं गई एक कॉन्ट्रैक्ट में मतलब एंटर करी एक डीलर के साथ उसने बोला कि ठीक है हम आपको एक फ्लैट देंगे जिसमें दो बालकनीज होंगी लेकिन एक साल के बाद या मान लो कुछ महीनों के बाद मेरा माइंड चेंज हो गया एंड व्हाट आई डिसाइडेड कि हम ना एक फ्लैट जो है वो तो लेंगे ही दो बालकनी भी लेंगे बट एक और बालकनी आई वोट ठीक है मतलब कि एक फ्लैट के साथ हमको तीन बालकनी चाहिए तो यहाँ पे ये इनफीरियर से सुपीरियर पे आप आ गए ठीक है मर्ज का मतलब जोड़ देना तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा चेंज नहीं कर देगा पूरा कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर देगा वहां पे वो दोनों वो दोनों क्या करेगा उसमें कॉन्ट्रैक्ट को मर्ज कर देगा जहां पे एक फ्लैट दो बालकनी की जगह पे क्या हो जाएगा एक फ्लैट और तीन बालकनी ठीक है और दोनों ही पार्टीज इसमें अग्री करेंगे और उसके बाद ये लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट को मर्ज कर देंगे ठीक है ये हो गया डिस्चार्ज बाय मर्जर अब नेक्स्ट देखिए ये सेकंड नंबर पे आता है थर्ड uh, नंबर पे आता है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस इसका मतलब क्या होता है कि जब आपका परफॉर्मेंस नहीं हो रहा हो ठीक है like, लाइक uh, मान लीजिए कि इम्पॉसिबिलिटी uh, इम्पॉसिबिलिटी uh, का मतलब जो पॉसिबल ही नहीं है चांसेस ही नहीं है उसके लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे uh, Uh, किसी अपने uh, राइवल के साथ राइवल कंट्री के साथ ठीक है कोई ऐसी कंट्री जिसके साथ आपका झगड़ा चलता है बहुत ज़्यादा तो वैसी कंट्री के साथ अगर आप uh, कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो उस केस में क्या होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट आपका पॉसिबल ही नहीं है ठीक है तो उसको वो किसके अंडर में आ जाएगा इम्पॉसिबिलिटी नोन टू द पार्टीज लाइक फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने किसी अपने राइवल कंट्री के साथ uh, एक uh, मतलब uh, दुश्मनी जिस कंट्री से है आपका आपने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर कर गए ठीक है आप एंटर कर गए तो आपको उस टाइम पे पता था कि ये होने वाला है नोन टू पार्टी नोन का मतलब क्या होता है कि आपको मालूम था कि यह होगा आप जानते हो कि वो कंट्री मेरा दुश्मन कंट्री है उसके साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होगा आपको मालूम था ठीक है नेक्स्ट है इम्पॉसिबिलिटी अन नोन टू द पार्टी यानी कि आपको मालूम ही नहीं था कि अगर आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो कंप्लीट नहीं होगा लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट को बैन कर देती है ठीक है या फिर मान लीजिए कोविड का कोविड नाइन्टीन जो आ गया तो बहुत सारा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो खत्म हो गया होगा कोविड की वजह से मान लीजिए कोई घर खरीदना चाह रहा होगा बट कोविड आया तो इतना ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत लोग अपने अपने प्लान्स जो है वो चेंज किए तो उस केस में क्या हुआ कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों ने तोड़ा होगा अपना तो यहाँ पे क्या है इम्पॉसिबिलिटी अननोन किसी को मालूम था क्या कि कोविड आएगा किसी को नहीं मालूम था बट क्योंकि वो आ गया तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये पार्टीज जो है उनको आइडिया नहीं था बट क्योंकि वो आया तो उन लोगों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को अब खत्म कर लिया ठीक है या फिर अर्थक्वेक है अर्थक्वेक आ गया जिसके वजह से जिस फ्लैट के लिए वो लोग बात कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे थे वही फ्लैट टूट गया तो इस केस में भी क्या हो गया यहाँ पे इम्पोसिबिलिटी जो थी वो अननोन थी ठीक है तो यहाँ पे भी डिस्चार्ज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का अब थर्ड नंबर इम्पॉसिबिलिटी अराइजिंग सब्सिक्वेंट टू तो द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसमें देखिए अलग अलग चीजें दी हुई हैं लाइक अलग अलग कैटेगरीज हैं तो इनको वन बाय वन समझते हैं तो पहला है क्या पहला है डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस बाई द डेथ ऑफ पार्टीज ठीक है एक पार्टी जो है वो मर गया ठीक है तो ऑब्वियसली अगर वो मर गया तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बंद हो जाएगा ठीक खत्म हो जाएगा सेकेंड डिस्चार्ज बाई परफॉर्मेंस बाई पर्सनल डिसेबिलिटी यानी कि मान लीजिए कि अगर कोई आ, 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 पार्टी जो है दो पार्टीज होते हैं उसमें से कोई एक पार्टी जो है वो डिसेबल हो गया लाइक कोमा में चला गया ठीक है कोमा में चला गया या फिर उसको कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई तो उसके वजह से क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा ओके नेक्स्ट थर्ड थर्ड है डिस्चार्ज बाई ऑब्जेक्ट बिकमिंग इलीगल और अनलॉफुल यानी कि जिस प्रोडक्ट को या जिस ऑब्जेक्ट को लेके आप कॉन्ट्रैक्ट मेंटर कर रहे थे वही आपका इलीगल हो गया या फिर अनलॉफुल हो गया लाइक फॉर एग्जांपल अल्कोहल इन बिहार बिहार में अल्कोहल जो है वो बैन हो गया तो अब बैन हो गया तो अब कोई भी बंदा अगर चाहेगा इस कॉन्ट्रैक्ट को एंड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए तो वो लीगल नहीं होगा है ना तो मान लीजिए कि जब अल्कोहल बैन हुआ होगा बिहार में उसके दस दिन पहले मान लीजिए कि कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा हो गया दो पार्टी और अचानक से खबर सुनने को मिला दस दिन के बाद कि अल्कोहल बैन हो गया तो उस केस में क्या हो गया उनका कॉन्ट्रैक्ट जो हो गया वो टर्मिनेट या डिस्चार्ज हो गया या फिर खत्म हो गया ठीक है नेक्स्ट है डिस्चार्ज बाय आउटब्रेक ऑफ वॉर लाइक फॉर मान लीजिए वर्ल्ड वॉर छिड़ गया तो उस केस में क्या होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा और लास्ट दैट इज डिस्चार्ज बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर यानी कि जिस चीज को लेकर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे थे वही आपका डिस्ट्रक्शन हो गया लाइक मान लीजिए कि अर्थक्वेक आ गया ठीक है अर्थक्वेक आ गया तो जिस फ्लैट को आप खरीदने की बात कर रहे थे जिस फ्लैट को खरीदने के लिए आप लोग दो लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे थे वही फ्लैट टूट गया तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ठीक है अब वहीं वो ही नहीं रहा तो ऑब्वियसली आपका परफॉर्मेंस तो हो नहीं सकता है कॉन्ट्रैक्ट का तो वहाँ पे आप ख़त्म कर दोगे कॉन्ट्रैक्ट का कोई ऑब्लिगेशंस आप लोगों को नहीं रहेगा ठीक है ये तो था थर्ड नंबर अब आते हैं फोर्थ पे दैट इज डिस्चार्ज बाई लैप्स ऑफ टाइम लैप्स ऑफ टाइम में क्या होता है कि जब टाइम ओवर हो जाए ठीक है यानी कि मान लीजिए कि आपने एक फार्मर के साथ पंजाब के फार्मर के साथ आपने एक कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर करे थे जिसमें आपने क्या बोला कि नौ सौ ऑफ वीट चाहिए ठीक है हमको राइट ऑफ ट चाहिए हमको तीन महीने में बट जब वो दिया तो छः महीना हो चुका था ठीक है तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं मैंशन करेंगे लाइक like, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो क्योंकि हम लोग हमारा लैप्स ऑफ टाइम हो गया जिस चीज के लिए लाइक like, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लो मान लो कि शादी का प्रिपेरेशन करना है डेकोरेशन uh, वगैरह करना है आपने किसी को हायर uh, किया वो बंदे ने लाइक like, uh, uh, अगली तो वो दो दिन पहले कर गया था कि ठीक है हम आपका काम कर देंगे लेकिन जिस दिन शादी है उसी दिन वो मना कर दिया वो मना कर दिया या फिर तीन चार दिन बाद आया वो आपका काम करने के लिए तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा क्यों क्योंकि यहाँ पे टाइम से ऊपर हो गया टाइम से ओवर हो गया ठीक है तो यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ओके नाउ फोर्थ वन फोर्थ वन इज डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है इसमें सबसे पहला आता है डिस्चार्ज बाय मर्जर जिसमें कहता है कि लाइक लाइक फॉर एग्जांपल आप इसमें जॉइन जॉइन यू वन कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर देन द प्रीवियस इज ओवर ठीक है यानी कि आप एक नए कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर कर रहे हो तो उस टाइम पे आपका जो प्रीवियस वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका खत्म हो जाएगा इसको कहते हैं डिस्चार्ज बाय मर्जर ठीक है आप जिस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो जो आपका पुराना कॉन्ट्रैक्ट था उसको आप क्या कर रहे हो चेंज करके मर्ज कर रहे हो दूसरे वाले में तो उस केस में आपका पुराना वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म माना जाएगा और नया वाला कंटिन्यू होते रहेगा ठीक है नेक्स्ट डिस्चार्ज बाय इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज अब जो पार्टी है वो इंसॉल्वेंट हो गया इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है इंसॉल्वेंट का मतलब होता है अनेबल टू पे

एंड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट और लास्ट डिस्चार्ज बाई अनऑथोराइज ऑल्टरेशन मेड इन द कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कोई अनऑथोराइज ऑल्टरेशन आप चेंजेस आप कर दोगे ठीक है लाइक द कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड इफ यू मेक एनी काइंड ऑफ चेंजेस विदाउट इन्फॉर्मिंग द सेकेंड पार्टी ठीक है एंड देन दैट चेंज विल कंसिडर्ड एज फॉल्स चेंज ठीक है लाइक फॉर एग्जाम्पल आप किसी के साथ एंटर करें कॉन्ट्रैक्ट में और आपने उसको नहीं बताया कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में ये सब चेंजेस की और कुछ दिनों के बाद जब उसको पता चला कि अरे कॉन्ट्रैक्ट में तो ये सब चेंजेस की हुई हैं तो वो क्या बोलेगा कि मुझे इसका आइडिया नहीं था और उसी टाइम पे बिल्कुल एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म हो जाएगा क्योंकि इसमें आपने क्या किया आपने फॉल्स चेंजेस किए हैं जिसका सेकेंड पार्टी को कोई आइडिया नहीं था तो उस टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा जो सेकेंड पार्टी है उसका कंसेंट वो इम्पॉर्टेंट होगा कि वो अग्री वो रहना चाह रहा है कॉन्ट्रैक्ट में या नहीं रहना चाह रहा है अगर वो नहीं रहना चाह रहा है तो वो आराम से उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है बिकॉज उसको कोई आइडिया नहीं था इसका ठीक है सो दिस इज़ द फोर्थ वन अब आते हैं फिफ्थ वन दैट इज द लास्ट वन के डिस्चार्ज बाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब ब्रीच का मतलब होता है तोड़ देना ठीक है तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दे रहे हो लाइक इफ आई डिनाइड टू गिव अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इंटेंशनली देन दैट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल लीड टू द डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था कि आप ए uh, जो है वो बी को फाइव पैकेट ऑफ बिस्किट देगा ठीक है फाइव पैकेट ऑफ बिस्किट देगा बट जब बी गया उसे लेने के लिए तो बी ए ने मना कर दिया तो अब ए ने मना कर दिया तो वो क्या हो गया कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ था कि वो देगा बट उसने क्या किया तोड़ दिया कॉन्ट्रैक्ट को उसने उसको बिस्किट नहीं दिया उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा ठीक है क्योंकि इसमें पार्टी ने अपना परफॉर्म नहीं किया ऑब्लिगेशन राइट और लास्ट लास्ट इज डिस्चार्ज बाय एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि फ्यूचर में ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टूट जाएगा ठीक है या फिर आ,

किसी भी रीज़न की वजह से ठीक है किसी प्रोडक्ट को लेके या फिर किसी भी चीज़ को लेके किसी सर्विस को लेके वो एंटर किया और कल को वो न्यूज़पेपर में पढ़ रहा है कि ए को ना ए हैज़ हेज़बिन पुट बिहाइंड द बार्स ए को जेल में डाल दिया गया है किसी रीज़न के वजह से तो उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसी मोमेंट पे वो डिस्चार्ज हो जाएगा क्यों क्योंकि यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहे थे लाइक हमको आइडिया नहीं था कि ये होगा बट ऐसा हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे होता है लाइक एंटिसिपेट करके आप चलते हो कि Uh, मान लीजिए कल को अगर न्यूज़पेपर में लाइक like, वो आ गया कि वो ही हेज बुट बिहाइंड द बार्स तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे ख़त्म हो गया ठीक है लेकिन अगर मान लीजिए कि वो जेल से निकला और उसके बाद uh, हम एक नए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाह रहे हैं तो हम उसके साथ कर सकते हैं उसका कोई दिक्कत नहीं है ठीक है हम एंटर कर सकते हैं दोबारा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में बट वो जो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा खत्म हो जाएगा ओके जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं वो आई थिंक आप इजीली अब ये गेस कर सकते हो आंसर्स दे सकते हो लाइक यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं दूसरा है एक्सप्लेन द वेरियस मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लिए एक्सप्लेन अबाउट द डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाई अग्रीमेंट ये भी आप आंसर कर सकते हो और लास्ट है वॉट डू अंडरस्टैंड बाई डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाई इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स परफॉर्मेंस ठीक है इसके अंदर भी कुछ कुछ पॉइंट्स थे सब कैटेगरीज थी इसकी फोर्थ नंबर में भी तो आपको ये आई थिंक याद हो गया होगा अगर नहीं हुआ है तो वीडियो को दोबारा से प्ले करो और उसके बाद एक बार और समझ लो उसके बाद आंसर्स आप इजीली इजीली दे पाओगे ठीक है तो आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आ गया है अव नेक्स्ट टॉपिक विल बी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का तोड़ देना ठीक है सो अगर कोई भी डाउट है यहाँ तक तो डू कमेंट मिल दो कमेंट बॉक्स बिलो एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब इट हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो ओके यू एंड स्टे सेफ स्टे होम थैंक यू